आपने कहीं कहा भी है कि उस जमाने में अवार्ड्स लोग खरीदते थे वाकई में आपको ये बिलीव था हाँ आप मुझे बताओ कोई इंसिडेंट हम के दौरान मुझे भी पिक्चर बहुत अच्छी रजनीकांत सर नूर नूरमादरी बच्चन साहब के साथ और आप सबसे छोटे बिहाइंड द सीन क्या हुआ उस फिल्म के दौरान हम कुछ तो हुआ होगा हाँ बहुत से ऐसी चीजें हुई जो मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में वो देखने लायक चीज़ थी आदरणीय बच्चन जी जिस वक्त हम देखा करते थे तो हमें ऐसा लगता था यार ये इस, ये जो है ये साधारण एक कलाकार होता है वैसे नहीं है ये डिफरेंट है थोड़े किसी दिन वो समुंदर में गए हुए थे समुंदर में गए हुए थे तो वो अपना पंडुबी का जो ड्रेस होता है वो उसका वो लेके के घुसे हुए थे तो उसमें से बाहर आए हाई चीची कमाल की जगह अंदर बोला यहाँ चलना प्रॉब्लम है अंदर गया बहरहाल <laughs> बहुत अच्छा वो रहा और उतने ही ज़्यादा सरल और सात्विक नेचर रजनीकांत रजनी जी शुरू शुरू में तो वो आए तो ऐसा लगा हेलो बोला हेलो चिची मेरा आप चिची क्यों कह रहे हैं भाई भाई सर रजनी सर पड़ा 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 किया तो वो दाढ़ी बड़ी हुई उनकी साधु की तरह घूम रहे थे वो पता ही नहीं चल रहा है रजनीकांत जी है ने कहा यार ऐसे हीरो हुआ करते हैं आई बीन वेरी लकी कौन है वो एक्टर जो आपका माने कान पकड़ी की बोलता था चीचे <laughs> वो कौन एक्टर है आ, दिल साहब के साथ आ, बहुत एंजॉय किया बहुत एंजॉय किया बच्चों की तरह मुझे समझाया हर चीज़ आ ये जो सूफी और अच्छा तरीका जो होता है इसमें ख्याल किया जाता है अलहड़ टाइप के मुझ टाइप के अनपढ़ टाइप के लोग आ जाए ख्याल करते हैं जो प्रेम करते हैं अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों की समय नहीं होता है फुर्सत ही नहीं होती है वो सोचते हैं कि काम मुखिया अच्छा शॉट हुआ इसका शॉट कैसा था उसका कैसा था जैसे अदर अमिताभ बच्चन जी जो है ये उ, 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 उनका ना प्यार ये वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है एक एक प्यार लाइन चलती है जिसमें उन्होंने कहा ये सही है ये गलत है उन्हें पता है सब राइट है वो करके रा के, काम करके निकल जाते हैं प्रोफेशनली समय पर आए समय पर निकल गए रजनीकांत में वो है थोड़ा ये राइट स्टाइल नहीं है थोड़ा चेंज करो इस करो तो वो अलग है थोड़े पर अलग अलग नेचर के ये सब स्टार हैं और हम एक साथ इनके सभी के साथ काम कर रहे थे बहुत अच्छा लगा ऐसा लगा डिवाइन ओहो लग ले जैसे को ऐसा लगा जैसे सितारों के झुंड में आ गए और क्या आनंद लिया है इसी बात पर अगला सवाल पंकज अरोरा मुजफ्फरपुर से एक गाना है चीची भैया का मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था उसके शूटिंग के दौरान आप थी कि नहीं हाँ मैं थी तभी तो बताइए बिहाइंड द सीन क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ इसी बात का दुख था मुझे मैं तो कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ तो हो कुछ तो निकले कुछ निकला ही नहीं यार अरे यार <laughs> <laughs> खाली आइसक्रीम और भेलपुरी खाए जा रहे लोग करके आ रहे जब ऐसे गाने आ रहे थे उस समय माहौल क्या था जब आप कहीं जाते थे रोड पर तो लोग कहते थे अच्छा ये गाना गा दो ऐसा होता था क्या होता था अरे क्या? यार उस टाइम पे तो लोग पीछे पड़े हुए थे क्योंकि नाम इतना हो गया था कि लोगों को लगता था तारीफ़ करके इसका चलेगा नहीं इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा तो क्या पैंट पहनता है तू क्या शर्ट पहनता है ये कलर के कपड़े पहनते क्या ऐसे क्या करता है यार तू ऐसा नहीं अच्छा है वेरी रॉन्ग गोविंदा और ये क्या तेरे गाने मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ और ये सब क्या है ये सब ये कैसी फिल्में कर रहा है तू हाँ ठीक है फाइन चल रही है पर क्या है ये क्या फिल्मों का दौर है

वो तेरा एक्स फैक्टर है समथिंग मिसिंग यू नो अच्छा काम बहुत कर रहा है क्या हाँ चेहरा उतरा लग रहा है तेरा अच्छा फाइन वो फिल्म में देखा मैंने तुझे ठीक है फाइन वो अच्छा है डायरेक्टर अच्छा नहीं था उसका किसने किया बोला फलानी अच्छा नहीं था वो क्या था वो बोला यार काम हम तेरा सब अच्छा चल रहा है इतने साल से हम लोग देख रहे हैं पर तेरी तारीफ नहीं होती कभी प्रेस में यार ये क्या चक्कर है पर मुझे ऐसा लगता है कि जो है फिल्म लाइन जैसी है इट इट इज इज डिवाइन बहुत मजा आता है मुझे तो अच्छा लगता है अंकुर जो लखनऊ से कहते गोविंदा जी उस जमाने में बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे तो ये अंदर से ही आप पहनते थे यानी दिल से समझे <laughs> क्लैरिफाई कर देता हूं डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते थे ये भाभी का टच था क्या था क्योंकि उस जमाने में ऐसा कोई ड्रेसअप करता नहीं था तो बताइए भाभी आपका कितना हाथ था आप कभी लगे कि नहीं अरे सर आप पहुंचा दीजिए ना चलिए आप भिंडी बाज़ार जाइए आप कभी उस तरफ जाइए जैसे वसई और नाला सोपरा जगह है जिसके पास में बहुत ज़्यादा जिसकी ज़िंदगी में रंग नहीं होते हैं वो किसी न किसी तरह से रंग भर दिया करता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब तबके के लोग जो है जो रंगीला कपड़ा पहन पहन के चल रहे होते हैं इधर उधर वो लोग वो दिखा देंगे हमारी प्रॉब्लम नहीं है बॉस तो कभी देखो इधर रुमाल लटका वगा वो लोग के फिर रंगीली शर्ट पहनी होगी पैंट पहनी होगी फिर वह ऐसे चश्मा लगा के आएंगे स्टाइल हाँ। में क्या लगेगा हाँ लाइफ में सब सेट है बॉस क्या बात है यार आजकल आप तो अलग नज़र आ रहे हैं यार चक्कर तो नहीं चल रखा ये <laughs> भले चल ही रहा हो <laughs> वो लोग की स्टाइल ऐसी होती है तो मुझे ऐसा अच्छा लगता था मैं सोचा कि ये जो आम आदमी का जो ये ये जो नजरिया है ये जो तौर तरीका है किसी न किसी तरीके से उसे आप पेश कर दे फिल्मों में मज़ा आ जाएगा तो जिस तरह से ये कपड़े लेके आ रहे थे मैंने कहा यार ये कपड़ा तो इस फिल्म में इस हीरो ने पहना हुआ है हाँ तो आप ऐसे लगने मैं बोला वैसे क्यों लगना चाहिए जो मैं किरदार निभा रहा हूँ वो किरदार लगना चाहिए वो किरदार लगे ये क्या है तो वो वक़ कर गया तो फिर मैंने क्या रोल किया था उसमें कुली का रोल कर रहा था तो कुलिस के कपड़े कैसे होते हैं वो क्या स्टाइलाइज थोड़ी बनते हैं किसी फैशन वाले के तैयार किए हाँ। थोड़ी होते है वो तो वैसा जो जो किरदार में निभाते जा रहा था I was wearing those clothes, तो मुझे ऐसा लगता है वो वो करेक्ट करेक्ट था था अरे बिल्कुल आज आज इस आज, अच्छे-अच्छे स्टार वरुण धवन पहनते हैं तो फिर ओरिजिनल कौन गोविंदा नंबर वन ये ओरिजिनल कौन गोविंदा नंबर वन मेरे बेचारे भैया लेकिन क्योंकि अभी आने वाला है कुछ आने वाला है भैया जो आप जो दर्द आपने महसूस की आप दोनों स्क्रीनिंग में बैठे हुए हो एक दूसरे का हाथ पकड़े हो भैया सोच रहे रोमांटिक हाथ पकड़ा हुआ है बाद में आपने निचोड़ दिया भैया का हाथ क्या हुआ भाभी सनम मेरे सनम मेरे सनम इनके उस... लिए सनम मेरे सनम नहीं हुआ था दुखन मेरे दुखन बताइए वो हाथ हाथ ना भैया दिखाओ सब था यार क्या था. था? क्या पता पता नहीं दोनों ही तो नहीं कर लिया था था मैंने अच्छा वो 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 गाना ही बड़ा दुखद रहा रहा जिस वक्त शूट हो तो ये शिल्पा शोरकर जिस वक्त कर रही थी वो डूब जाती थी और जितने टाइम डूबे बाहर निकाले आप बीच में वो नहीं दे रहे जो जितनी टाइम जा रही है वो मुझे पकड़ लेती थी ऐसे तो कहा, हम तो तुम्हें डूबेंगे ऐसा नहीं हो जाए मैं कहा यार ये क्या कर रहे हालांकि बहुत ज्यादा गहरी जगह पर तो आ, पे नहीं शूटिंग कर रहे थे पर कितने टाइम वो समुद्र में गई बात कर रिटेक कर चिपकाते रहो भैया ने बोल दिया होगा जबरदस्ती करवाओ ये भी हो सकता अच्छा, है। अच्छा मेरा लक्ष्य नहीं गया देखिए, <laughs> अब अब जा रहा है। <laughs> कितनी बार इनको ऐसे बोला हुआ रोमांटिक सीन्स मत करो सच्चे दिल से नहीं मैं कभी नहीं मना करती हूं पिक्चर के लिए कभी नहीं ब्रॉड माइंडेड काम नहीं करेगा तो यार ये कहां से आएगा तो डालू तो थोड़ा ज्यादा कर यार ज्यादा आएगा जब आप रोमांटिक सीन्स करते थे भाभी होती थी सेट्स पर तो कभी ऐसा ऑकवर्ड फील करते थे अरे मेरी बीवी बगल में मैं कैसे करूँ रोमांटिक हम लोग कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगता हमें no काम. काम एक सेकंड के लिए काम बोला अच्छा क्या आ गया आपने डर गई है क्या बोल रहे काम की बात कर रहे मेहनत की बात कर रहे हैं कुछ काम शास्त्र डिस्कस नहीं कर रहे अच्छा ये बॉलीवुड रंबल देखते हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं एक दूसरे पर सवाल पूछूंगा ए बी सी डी ऑप्शन के साथ जी ठीक है तैयार है आप आई ऍम रेडी ऐसे नहीं या yeah! मैं थोड़ा डरा हुआ हूं अंदर से इसलिए <laughs> <laughs> तो पहला सवाल सुनीता जी गोविंदा जी की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है करिश्मा कपूर रानी मुखर्जी रवीना टंडन या जूही चावला माधुरी दीक्षित

तमीज़ और अदब और कभी किसी से गलत रिश्ता नहीं दोस्त दोस्तियाँ अच्छे से आप देखिए शायद ही ऐसे किरदार होंगे फिल्मों में जो यूँ आए फिल्म में यूँ निकल लिए अरे एक जगह पे तो कहीं प्रॉब्लम होती एक जगह पे तो कहीं तकलीफ़ आई होती कभी नहीं सच अ नाइस पर्सन तो मैं इसे कहा करता था ये बहुत नेचर अच्छा लगता है तमीज़ है अदब है अच्छाई है और दिखावा भी नहीं है ये भी नहीं लगता कि ये ड्रामा कर रही है अच्छाई का तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है तो आपने माधुरी जी को ये बोला कि नहीं मैंने कहा मैंने स्टेज मैंने टीवी पे कह दिया मुझे चांस मिला दो oh, चांस मिला दो भैया oh. मेरे रंगीन भैया माय फेवरेट हाउ स्वीट पर एक्सक्यूज मी नथिंग टू से नथिंग टू से रॉन्ग अबाउट माय अदर हीरोइंस ऑल माय हीरोइंस हैव बीन वेरी लकी फॉर मी आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड आई शूड भी थैंकफुल टू देम बिकॉज मेरी जो फिल्में चली हैं फिल्म के गाने की वजह से चली हैं और मेरे साथ जो एक्ट्रेसेस काम कर रही थी वो वजह से तो थैंक्स टू तो करिश्मा कपूर टू तो रवीना टंडन

कादर खान साहब आदरणीय और शक्ति कपूर जी ये इतने हार्ड वर्किंग रहे ये पूरी फिल्म लाइन जो चल रही है इसमें आदरणीय कादर खान जी का तो बहुत ही हाथ रहा जो राइटिंग उनकी थी जिस तरह से जितेंद्र जी की इतनी हिट्स आई आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ हिट्स आई फिर मेरे साथ उन्होंने इतनी हिट्स दी और शक्ति जी साथ में हैं इतना हार्डवर्क किए हुए ये लोग हैं मैं तो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो हार्ड अदरण्य प्रेम चोपड़ा जी बड़ा नाइस पर्सन मैं प्राण साहब

और उसके बावजूद आपके अल्फाज इधर उधर नहीं होते मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ, है थैंक यू पर आप वैसे ही रहिए जैसे अभी पहले डिस्कस कर रहे थे ना मुझे अच्छा। <laughs> <थाँग्य>। तो <बताएगे। laughs> रणवीर सिंह ने जब बोला <laughs> कि आज जो भी हूँ मैं गोविंदा की वजह से हूँ कैसा लगा जब उन्होंने कहा था आपसे मुझे बहुत अभी जितने जो नए कलाकार आए हैं उसमें रणबीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बहुत पसंद है वो और मुझे ऐसा लगता है कि वो हर तरह का किरदार निभा रहे हैं विलन हो हीरो हो और जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले थे उसे देख के कि यार ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ये सुपरस्टार हो जाएगा तो जो मैंने सोचा था वैसे ही वो काम किए जा रहे हैं वैसे ही काम हो रहा है तो आई सेट सुनीता सुनीता वर्किंग विद न्यू कमर एंड आई फील दैट ही इज जस्ट हाँ मैंने कहा कि यार ये तो वैसे ही लग रहा है मुझे तो अच्छा लगा और उसकी नेचर वैसे हम लोग जैसे टाइप का है मतलब हाँ करता हाँ हाँ मतलब पढ़ाई लिखाई बोध हो बोझ नहीं हो जाए किसी पे तो वो उसमें बोध में है वो बोझे की तरह ढोता नहीं है ऐसा नहीं लगता है कि नाप तोल के कितना ही बड़ा ऐसे कह दें मुँह से निकलता है तो कह देता है जो दिल में आता है करता है अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है मुझे चलो अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लगता है यार ही उसे हम में, में है भाभी की हंसी नहीं है उनके पास निकलेगी अभी शादी नहीं अभी हुई है आस्ते आस्ते निकलेगी अगला प्रश्न गोविंदा जी आपने सुनीता जी के साथ फिर से विवाह की 49 की उम्र में जी डेट कौन सा था सोलह जनवरी चौदह जनवरी अठारह जनवरी या बीस जनवरी चौदह जनवरी क्या बात है सही है भाभी सही सही है सही है आपको टेंशन था कि गलत बोलेंगे भाभी <laughs> ऐसे दिख रही है <laughs> इन्होंने प्लान किया था तभी याद है उनको <laughs> तो कैसा होता है वापस शादी करते हो गया था हमारा एनिवर्सरी मम्मी साधु थी तो मम्मी ने कहा था कि गोविंद फोर्टी नाइन की एज में फिर से करो और पूरी विधि के साथ करना तो वो चाह रही थी कि मैं सामाजिक विवाह विधि के साथ फोर्टी नाइन के एज में करूँ तो आपकी इच्छा थी क्या बात है भैया ऐसे ही आप विवाह करते हैं ना भाभी के साथ ही ठीक <laughs> <laughs> है बोलना जरूरी है भाभी के साथ ही समझे आप इनमें से कौन सी फिल्म गोविंदा जी की पहली रिलीज थी सिंदूर दरिया दे लव एटी सिक्स इल्जाम लव एटी सिक्स लव एटी सिक्स पक्का सही जवाब वो मिस किस आया है? मैं सात साल की उम्र में मैं गाता था वो गाना भैया। बिल्डिंग में मैंने एक बड़ी लड़की से गाया था आ, उसे बोलो, कुछो क्या? तो प्यारा है फिर मैं और बड़ा हुआ मैंने किसी और लड़की को गाया उसने छापड़ मार दिया तो यानी कि पांच साल की उम्र में गाओ उसके बियॉन्ड मत गाओ क्या अगला सवाल सुनीता जी का सबसे बड़ा कंप्लेन आपके साथ क्या है कि आप लेट होते हो या फिर आप फोन नहीं उठाते हो आप रोमांटिक नहीं हो या फिर आप उनको ज्यादा टाइम नहीं देते हो कंप्लेन क्या है भाभी का आपके साथ आ, टाइम नहीं देते हो वो डिस्कस होता है पहले नहीं देता था देता था नहीं देते हो अभी डिस्कस नहीं होता है और उसकी जो बहुत तारीफ करती है तो वो सिर्फ ये करती है कि मुझे बच्चा जो चाहिए गोविंदा जैसा ही बच्चे हुआ करे जन्म में मैं अभी भगवान को यही मनाती हूँ अगले जन्म में ये पति बहुत अच्छे है अगले जन्म में मुझे ये बेटे के रूप में चाहिए क्योंकि इनके ऐसा बेटा मैंने आज तक नहीं देखा और कभी शायद देखूंगी भी नहीं क्या बात है है क्या बात है। दिल से दिल से एज अ हस्बैंड काफी पड़ती मुझे अब हस्बैंड को नहीं पड़ेगी तो क्या बगल वाले को पड़ेगी यार कभी बगल वाले को पड़ी है कि नहीं क्यों जाना बगल में जब सब है सामने अरे हाउ स्वीट अगला प्रश्न गोविंदा जी का पहला फिल्म डेविड धवन के साथ सुनीता जी क्या था साजन चले ससुराल राजा बाबू ताकतवर शोला और शबनम ताकतवर ओहो <laughs> कोई मेमोरी है उसके साथ वो फिल्म के बारे में नहीं मेरे को तो याद नहीं बॉबी राज का पिक्चर पिक्चर था ना ये सा, संजू साथ में संजू ना बस वही मुझे तभी तो शादी हो गई थी हम लोग यहाँ और उनका रोमांस चल रहा था ओके <laughs> <laughs> okay, सुनीता जी कितने रोल्स इन्होंने प्ले किए थे हद कर दी आपने फिल्म में तीन चार पांच नौ किया मुझे पता नहीं है रोल्स नहीं पर आप बताओ एडिट में उसके बाद आपने पिक्चर नहीं देखी क्या रहा, विद टाइम ही नहीं होता था फिर तब काम वाम कर रहे थे और वो मैं पिक्चर से जैसे ही उन्होंने मेरा क्लाइमेक्स में मेरी मैं कह रहा था कि क्लाइमेक्स इसका फ्लाइट में ले लेके जाओ आप तो नहीं सुने तो मैं उसके बाद में देखी नहीं पिक्चर अगला प्रश्न <laughs> गोविंदा जी ने अपना नाम जी गोविंद से गोविंदा क्यों बदला नंबर ट्वेंटी सेवन जो एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली उनके लिए ठीक था सही गलत शायद या बिल्कुल गलत नहीं सही था क्या नाटक करती है भाभी क्या एक्ट्रेस है आंसर आपने पहले ही दे दिया और भाभी भाभी आपको वो प्रोड्यूसर जो रास्ते में मिले थे वो लेना चाहिए था अरे यार इतना काम कौन करे फसीदा निकल रहा है भी? इसी बात पर लो ये। 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 ये जीदा। ये। जीदा। ये। अच्छा अगला प्रश्न दिल से बोलिए हर जगह चर्चा होती है मीडिया में कि गोविंदा और सलमान अब अच्छे दोस्त नहीं रहे भाई थे पहले अब नहीं दोस्त रहे दिल से बताइए क्या सच्चाई है दिल से कहने के लिए तो यही है सच्चाई कि फिल्म लाइन वालों के तौर तरीके ये हैं अक्सर मिलते हैं एक दूसरे के साथ वही दोस्त ये फिल्मी तौर तरीके हैं ये उनकी सोच है मेरी शुरू से ही नेचर रही है कि मैं अपने मैं ईमान में तय करता हूँ कि मुझे इससे दोस्ती करनी है या नहीं करनी है ये सही रहेगा या नहीं रहेगा इस आदमी का ईमान उस हद में मुकम्मल है या नहीं है मैं तय करता हूँ और जिस वक्त मैंने काम कर रहा था मैं उनके साथ उस फिल्म में वो काम करते करते क्योंकि प्रोडक्शन उनका था वो जो चाहते वो कर सकते थे पर आप सोच नहीं सकते गाने मैं तय करता था फिल्म के जो सीन मुझे अच्छा नहीं लगता था वो शूट नहीं होता था तो इतने ज़्यादा बा अदब वो, वो मतलब सलमान और सोहेल ने मेरे साथ काम किया कि मैंने तय कर लिया कि मेरे अपने हैं वो दोस्त हैं वो और ये भी तारीफ़ करने के उससे मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं <laughs> तो तो मुझे ऐसा लगता है अब कितने साल हो गए फिल्म की हुए उसके साथ आ, आ, तो 15 हो गए हो होंगे तो 14 -15 पहले पिक्चर शुरू हुई तो पिक्चर तो मैंने अमित जी के साथ भी की और ये दोस्ती सलामत रहे जिंदगी भर ताली बजाओ आमीन और कोई माइकल माइकाला छू नहीं सकता उसको आ, इस इस तरफ से तो ऐसे ही है और उस साइड से भी ऐसे ही है मैं बता रहा हूं आपसे आप मुझे बताइए वाकई में डर फिल्म आपने रिफ्यूज की थी जी आपने वाकई में आपने वाकई में गदर फिल्म रिफ्यूज की थी जी क्यों गदर फिल्म की भाषा जो है उसमें मैं कभी किसी व्यक्ति से भी गलत नहीं कहता हूं तो मुझे मैं कहा सर मेरी टाइप का ये फिल्म नहीं है ये आप मेरे साथ ये फिल्म नहीं कीजिए प्लीज तो वो फिल्म नहीं हो पाई ऐसे बहुत सारा हुआ है डर डर क्यों आपने रिफ्यूज किया उस टाइप डिट्स ही नहीं थी मेरे पास में ताल भी आपने रिफ्यूज कर दिया जी उसके पीछे क्या कारण थी कि स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी मैं फीचर का मैंने कहा सब्जेक्ट आपका सुपरहिट है ये फिल्म चलने वाली है ये पिताजी कैसे हैं आपकी बेटी टीना और यशवर्धन के लिए कैसे हैं वक्त देते हैं दोस्त जैसे हैं नहीं ये है, दोस्त जैसे भी है और वक्त देते हैं उनको और ये बहुत बिगाड़ते भी हैं उनको हाँ। सीधे घर में मुझे सब बोलते हैं स्ट्रिक्ट मॉम इनको तो सब दोनों पिन को ही प्यार करते हैं अरे आपको भी बहुत प्यार करते हैं आप ऐसे बच्चा है बट एक को तो कड़क होना चाहिए ये तो हर चीज दे देते हाँ ये भी कर लो वो भी कर लो एक अगर कड़क नहीं देगा तो फिर क्या फायदा बताइए आप <laughs> इनके लिए तो बच्चे हाँ ये भी दे दो वो भी कर लो सुनीता जी अच्छा मुझे बताइए आप अपने पीक पे मेरे मुझे यकीन आप अभी भी अपने पीक में हमेशा मैं मानता हूं आपको अवार्ड इतने नहीं मिले आपने कहीं कहा भी है कि उस जमाने में अवार्ड लोग खरीदते थे वाकई में आपको ये बिलीव था हाँ पता लग गया था कि खरीदने लग गए हैं लोग और हम लोग काम में लगे हुए हैं और लोग काम में लगे हुए <laughs> तो ये क्या हुआ ये बहुत समय लग जाता है आदमी के समझते समझते कि काम के अलावा जो काम होते हैं वो काम ही होते हैं और काम से पहले जो काम किया जाता है वो बहुत रिक्वायर्ड होता है ताकि तकलीफ ना हो काम करते समय और काम कर लें तो उसे इतिहास बना गए तो उसके लिए अवार्ड्स रिवार्ड ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये उसका हिस्सा है हम लोग शुरू शुरू में एक्टिंग करते थे ना कॉपी करने के लिए कि दारू कैसे पीता है इसका देखना चाहिए तो अलग अलग टाइप के दारू पीने वाले होते थे फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है दो तो चार पैक निकल जाए आदमी के बहुत ज़्यादा तो फिर मैं मैं समझ गया कि ये कितना भी पिलाएंगे आप जिसे जो भी लिखना है वो वही लिख के रहेगा अदरवाइज क्या है मुझे लगता है कि जो जैसा है वैसा है बहुत अच्छा है जैसी फिल्म इंडस्ट्री रही बहुत अच्छी है अरे बहुत अच्छी है फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है शीशी भैया बताओ डेविड धवन और आप सत्रह फिल्में आपने की है वापस मीडिया में आता है कि डेविड सर और आप अभी दोस्त नहीं है क्या है ये मुझे ऐसा लगा कि वो सत्रह फिल्म करना चाह रहे थे तो सत्रह ही फिल्म की उन्होंने उसके बाद वो ना मिले ना बात हुई ना कहीं विषय हुआ हुआ उसके बाद नहीं। किसी पार्टी में मिले हम लोग कहीं नहीं मिले कहीं बुलाए गए नहीं नहीं बुलाए गए सेवनटीन फिल्म के बाद में मैंने उन्हें कहा कि एटीन हम लोग कर ले साथ में और ये इच्छा थी तो चशम बद्दुर की शूटिंग चल रही थी तो मैंने कहा कि इसमें एक शॉट कर ले जाएंगे साथ में अपन हालांकि वो सब्जेक्ट मैंने दिया था तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो पिक्चर मैं करूँगा पर ऐसा हुआ नहीं फिर इतवाक हुआ कि यह इसके बाद काम हुआ ही नहीं फिर मुझे ऐसा लगा कि वो किसी के कहने में है क्योंकि डेविड का सॉफ्ट uh, नेचर हुआ करता था तो किसी के कहने में हो या अपनी सोच में हो हर सूरत में वो उसकी जगह पे सही है हम हम, हम जो हमारी अपनी सोच है हम सही हैं तो काम नहीं हुआ पर उस पर चर्चा विषय क्या हो मुझे नहीं लगता है कि ये, ये डिस्कस किया जाए बहुत ज़्यादा लेकिन जिसकी पिक्चर लगने वाली होती है तो नाम आ ही जाता है जाने से पहले गोविंदा जी हो जाए आपका एक फेमस डायलॉग हम तड़प रहे सुनने के लिए और आपके चेयर रीडिंग स्क्वाड के प्रेसिडेंट सुनीता जी वाइस प्रेसिडेंट में काली yes. बजाएंगे हो जाए चलो हो जाए ना मेम साहब ना आप ना रो आपको रोता देख के हमको भी रोना आ रहा है देखो हमको हमार चंद्रमुखी की याद आ रही है चंद्रमुखी एँ चंद्रमुखी।, एँ चंद्रमुखी।, एँ चंद्रमुखी चंद्रमुखी एँ में आ चंद्रमुखी आगे चंद्रमुखी मौके